राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था, स्वतंत्रता से पहले स्वच्छता जरूरी है। लेकिन आज भी 50% ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती है। खुले में शौच जाने वाले दुनिया का हर 5 लोगों में से 3 भारतीय हैं। इस मामले में भारत की स्थिति अफ्रीका के गरीब देशों से भी बदतर है। आज भी करीब 44% भारतीय घरों में शौचालय नहीं है। जबकि स्वच्छता का स्वास्थ्य से गहरा नाता है, खुले में शौच जाना बीमारियों को जन्म देता है। अध्ययन बताते हैं कि शौचालय का इस्तेमाल बढ़ने के साथ 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पेट से जुड़ी बीमारियों में कमी आई है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त कराने और हर घर में शौचालय बनवाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन क्या यह लक्ष्य समय पर पूरा होने जा रहा है? डाउन टू अर्थ की पड़ताल बताती है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में यह लक्ष्य 2048 में जाकर पूरा होगा, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के क्षेत्र में 2090 में जाकर। केंद्र के मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के नेताओं के चुनाव क्षेत्र में भी शौचालय के निर्माण की गति बेहद धीमी है। आखिर चांद पर झंडे गाड़ने वाला देश नागरिकों को बुनियादी सुविधा मुहैया कराने में क्यों नाकाम हो रहा है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2019 का चुनाव जीतने से ज़्यादा मुश्किल है हर घर में शौचालय का वादा? अगले 3 साल में बनने हैं कुल 8.24 करोड़ शौचालय, यानी हर सेकेंड 1 शौचालय। कितनी कठिन है यह चुनौती और कहाँ चूक रही है सरकार? और क्या मोदी दिला पाएंगे देश को दूसरी आजादी? पढ़िए जमीनी हकीकत और तथ्यों से रूबरू कराती डाउन टू अर्थ हिंदी की विशेष रिपोर्ट।